शिक्षक भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश में लगातार अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती में शेष बचे 17,000 पदों पर भर्ती करने के लिए आश्वासन दिया था, लेकिन सरकार भर्ती नहीं निकाल पा रही है, जिस कारण अभ्यर्थियों में सरकार के खिलाफ काफी रोष है और लगातार प्रदर्शन जारी है। इसी क्रम में बस्ती शहर में सैकड़ों की संख्या में शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों अपनी मांग को लेकर जिला कलेक्टर ऑफिस पहुंचे, मुख्यमंत्री को संबोधित, डीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन मुख्यमंत्री तक तत्काल फैक्स कराने व रिसीविंग लेने की जिद पर जमीन पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी भी किया। प्रशिक्षु अमरेश यादव ने कहा कि योगी सरकार पिछले 3 सालों से हमें नौकरी नहीं दे रही है। हम सभी सीटेट टेट की परीक्षा 2-2 बार पास किया, उसके बाद भी हम बेरोजगार हैं। हमारी मांग है कि सरकार 68,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 व प्रत्येक साल 15,000 रिटायरमेंट की सीटें जोड़कर 3 सालों से यह सरकार हम लोगों को जुमलेबाजी दे रही है। जो सरकार हमको रोजगार देगी उसी को हम वोट देंगे। प्रशिक्षु अनमोल रतन ने कहा कि हम सभी जब भी लखनऊ विधानसभा में धरने पर बैठते हैं तब मुख्यमंत्री की पुलिस हम सभी पर लाठी डंडे से ठेल देती है। हमारी मांग को न शिक्षा मंत्री न ही मुख्यमंत्री सुनते हैं। बीएड बीटीसी टेट का खेल बंद कर भर्ती दीजिए। हम 30 लाख प्रशिक्षु भी बुलडोजर की तरह हैं, हम लोग भी बुलडोजर चलाकर आपकी सरकार गिराएंगे अगर भर्ती नहीं निकाला गया। प्रशिक्षु आरती द्विवेदी ने कहा कि 3 साल हो गए टेट सुपर टेट पास किए, लेकिन सरकार हम लोगों की भर्ती नहीं कर रही है। सरकार कहती है कि युवा देश को आगे बढ़ाएंगे, जब देश में युवा बेरोजगार रहेगा तो क्या आगे बढ़ाएगा। प्रशिक्षु पूजा दुबे ने कहा कि सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अगर बेटियों को नौकरी नहीं लगेगी वह बेरोजगार रहेंगी तो उनको कौन पढ़ाएगा। भर्ती न आने के कारण हमारा भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। इंडिया पावर न्यूज के लिए बस्ती से जयप्रकाश यादव की रिपोर्ट। सरकार एक तरफ से बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर बेटियां पढ़ के नौकरी नहीं पाएंगी तो कौन बेटियों को पढ़ाएगा। आपकी सरकार से क्या मांग है? 3 साल सामने बैठे हैं, अगर लड़कियां हिम्मत करके पढ़ती भी है तो उनके एक लाइन से शादी कर दी जाती है। अगर लड़कियां बेरोजगार रहेंगी नौकरी नहीं पाएंगी तो उन्हें कौन पढ़ाएगा, कौन इतना पैसा खर्चा करेगा उनके पास। अब सरकार से आपकी क्या मांग है? हमारी सरकार से यही मांग है कि हम लोगों के भी बारे में सोचे। 3 साल से भर्तियां नहीं आई हुई है और हम लोगों का भविष्य अंधकारमय होते जा रहा है। आपका नाम? पूजा दुबे। 92,000 शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर यहाँ पे मतलब कार्यालय में आए हुए हैं और हम लोगों की यही मांग है कि 97,000 शिक्षक भर्ती हम लोगों को दी जाए। हम लोग 2017 बैच के डीएलएड हैं, जबकि 2 साल हम लोग 2 बार सीटेट पास कर चुके हैं, टेट भी क्वालिफाई हो चुके हैं, लेकिन सरकार हम लोगों को फिर भी घुमा रही है 3 साल से। जब आपको भर्ती देनी ही नहीं है तो मतलब ये हर साल टेट और सीटेट करवाने की क्या जरूरत है। हम लोग भी आप एक तरफ सरकार बोलती है कि हाँ मतलब युवा ही देश को मतलब आगे बढ़ाता है, जब हम युवा लोग बेरोजगार ही रहेंगे तो क्या हम लोग देश को क्या आगे बढ़ाएंगे, देश तो फिर तो नीचे ही जाएगा। आपका ये हमारी यही मांग है सर कि मतलब हमारी 97,000 शिक्षक भर्ती को पूरा किया जाए। सरकार एक तरफ से ये थे कि हम लोग पिछले 25-30 दिनों से लखनऊ इको गार्डन में बैठे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष रजत जी का आह्वान है कि हम लोग पूरे प्रदेश में जिला अध्यक्ष भाजपा जिला अध्यक्ष डीएम कार्यालय सभी जगह ज्ञापन दे और ये मुहिम हमारा पिछले 3 दिन से पूरे प्रदेश में चल रहा है, क्योंकि सरकार पिछले 3 साल से हम बेरोजगारों को कोई भी नौकरी नहीं दे रही। हम लोग 3 साल से प्रशिक्षण पूरा करके घर बैठे हुए हैं, हम लोग 3 बार सीटेट और 2 बार टेट क्वालिफाई हैं, जबकि कोई भर्ती नहीं आई है। ये सरकार कहती है कि हमने भर्ती दिया है, जबकि इसने एक भी नया पद सृजित नहीं किया है। शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त होने के बाद हालांकि इसने 2 भर्तियां की है, फिर भी उसमें 68,000 और 79,000 शामिल है जो कि नया पद नहीं, और शिक्षा मित्रों के समायोजन के निरस्त होने के बाद आया है और ये सरकार एक भी नया पद नहीं दिया। हम लोग की मांग यही है कि पिछले 3 साल से हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, 68,500 की 22,000 सीटें जोड़कर और प्रतिवर्ष 15,000 रिटायरमेंट की सीटें जोड़कर 3 सालों से और 51,112 का सुप्रीम कोर्ट में ये सरकार 69,000 पूर्ण होने के बाद ये हलफनामा दिया था कि 51,112 पद खाली हैं, उसके बाद भी ये सरकार 17,000 हम लोग को जुमलेबाजी दे रही है कि 17,000 पद हम देंगे, जबकि ये सरकार खुद ही मानी है कि हम एक हम लोग युवा हैं, हम लोग किसी पार्टी से नहीं, हम लोग को जो वोट हम लोग को जो रोजगार देगा हम लोग उसी को वोट करेंगे। हमारी सरकार से यही मांग है कि
97,000 पदों पे विज्ञापन जारी करे। जब सरकार ने 51,112 पद का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था, पहले से उसने माना है 51,112 पद खाली है, तो इसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है कि सरकार ये कहे कि हम 17,000 दे रही है तो हम लोग के साथ में अन्याय होगा ना। आपका नाम? मेरा नाम अमरेश यादव है। 30 दिन से हम लोग इंदू गार्डन में अनवरत धरने पर बैठे हैं। जब भी कोई प्रोटेस्ट होता, विधानसभा गिराओ या शिक्षा मंत्री आवास गिराओ, तो बाबा जी की पुलिस हम लोगों को लाठी और गाली दे के इको गार्डन में ठेल देती है। 3 साल से हम लोग बेरोजगार प्रशिक्षु हैं, और भर्ती की मांग कर रहे हैं। न बाबा जी सुनते हैं, न माननीय शिक्षा मंत्री जी सुनते हैं। मैं शिक्षा मंत्री और बाबा जी से पूछना चाहता हूं, जब आपकी सरकार युवा यही सब युवा वोट देके बनाए थे, तो आपने यही कहा था कि हमारी सरकार बनी है, हर साल टेट होगा, हर साल सुपर टेट होगा। लेकिन 3 साल हो गया, कोई भर्ती नहीं। 68,569 भर्तियां शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द होके बना था। जब बीएड का एग्जाम होना होता, कोरोना काल में आप करवाते हैं। जब फॉर्चुनर में तेल खत्म हो जाता नेताओं के, तो बीएड का कंपटीशन आप करवाते। खेला बंद करिए ना मंत्री जी, बीएड बीटीसी टेट सीटेट का खेला बंद करिए इस चीज को। और भर्ती दीजिए, भर्ती की बात करेंगे तो वोट मिलेगा। अगर आप भर्ती 97,000 नहीं करते हैं, बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, हम लोग बेरोजगार प्रशिक्षु हैं, बुलडोजर हम लोग भी, हम लोगों के पास भी बुलडोजर है। अगर 21 लाख प्रशिक्षु चाहेंगे तो आपकी सरकार गिरा देंगे। चाहे पूरा हमारे रिश्तेदार, हमारे 21 लाख है, 21 × 5 और रिश्तेदार जोड़ लीजिए, योगी बाबा की सरकार गिर जाएगी, नहीं तो 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दे। आपका नाम? नहीं, तो वोट नहीं। भर्ती नहीं तो वोट नहीं, बहन हमारी देगी भाई।